हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूक्लियर जैकेट 2020 यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राजेश पासवान और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो थोड़ा सा ना प्राउड मोमेंट है, एटलीस्ट मेरे लिए तो है। मतलब जो मोदी जी ने जो एक इनिशिएटिव शुरू किया था वोकल फॉर लोकल वाला, कि हमें हर हर इंडस्ट्री में या हर तरह से इंडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसे भी आजकल कोरोना वायरस में आप देख ही चुके हैं कि सब लिंक टूट रहे हैं देशों के साथ, ट्रेड वगैरह सब बंद है। तो अगर आज इंडिया ऐसा होता कि हम अपनी सभी ज़रूरतें खुद ही पूरी कर रहे होते तो फिर चाहे कोरोना आ जाए चाहे न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी की तरफ एक नया स्टेप लिया गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की तरफ जो है चल पड़ी है। और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब काफ़ी लोग ना, जब मोदी जी ने ऐसा कहा था काफ़ी लोग क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है, कि भाई ये सब सिर्फ क्या कहते हैं उसे, क्या वर्ड यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, जुमला, हाँ, कि ये सिर्फ जुमला है, ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं चेंज होने वाला, इंडिया हमेशा डिपेंडेंट ही रहेगा, हाँ, ऐसा ऐसा लोग बोलते थे। पर धीरे धीरे स्टेप लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये बहुत ही एक मेरे लिए तो भाई मुझे बड़ा ही अच्छा फील हो रहा है। आपको पता नहीं कैसा हो रहा है पर मुझे तो काफ़ी भी प्राउड सा मूवमेंट फील हो रहा है। तो इसी पे वीडियो है। शुरू करने से पहले अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम अच्छी अच्छे टॉपिक्स पे अच्छे अच्छे वीडियो पे रिएक्शन देते हैं। हम किसी ऐसे क्रिंज टाइप के या चीप टाइप की वीडियोज़ पे नहीं करते हैं, आपको एक अच्छा कंटेंट ही मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्या है वीडियो। आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, बी इंडियन बाय इंडियन, ये जो फिलॉसफी है पूरे इंडिया में आज के समय डिस्कस की जा रही है और बहुत ही जल्द ये डिफेंस इंडस्ट्री पर भी लागू होगी। रक्षा मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, वहाँ पर ये बताया है कि 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर बैन अब लग चुका है। ये बैन वैसे फॉर्मली शुरू होगा 2020 के दिसंबर महीने से, कुछ आइटम्स पे स्टार्ट हो जाएगा, कुछ आइटम्स पे बाद में होगा, मगर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टार्ट है। ये जो स्टेप है ये इतना बड़ा है कि इंडियन कंपनीज़ को 4 लाख करोड़ तक का बिजनेस इससे मिलेगा आने वाले 5 साल में। इट विल रेडिकली ट्रांसफॉर्म इंडियन डिफेंस सेक्टर। डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स। घर बैठ के IAS की आप तैयारी कर सकते हैं। आप किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाओ, वहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये पे करने होंगे। यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर आप घर बैठे या ऑन द मूव कहीं भी UPSC की तैयारी कर सकते हैं। हमारे कोर्स के लिए EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया की जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इसके बारे में हम सब जानते हैं, हमें डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए। हमारे दो बहुत ही हॉस्टाइल नेबर्स हैं पाकिस्तान, चाइना, उनके अग्रेशन का रिस्पॉन्स देने के लिए हमेशा हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्ड रहनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मगर प्रॉब्लम यह है कि आज़ादी से लेकर अब तक हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कभी भी प्रॉपरली डेवलप हुआ नहीं है और आज भी हम डिपेंड करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ पे, रशिया पे, इसराइल पर, US पे, फ्रांस पर, फॉर मेजर डिफेंस आइटम्स। जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है स्वीडन में, जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ऑन डिफेंस, उन्होंने एस्टिमेट किया है कि आने वाले 5 साल में 2020 से लेकर 2025 के आसपास इंडिया $130 बिलियन खर्चेगा डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे। इसमें ऑफ कोर्स S-400 की पेमेंट भी शामिल है, उसकी पेमेंट की भी अभी एक ही इंस्टॉलमेंट गई है, काफ़ी इंस्टॉलमेंट जानी बाकी है, रफेल की पेमेंट होनी है अभी। उसके अलावा हम अभी बहुत सारे एयरक्राफ्ट और बहुत सा उपकरण खरीदेंगे, तो $130 बिलियन हम खर्चेंगे इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। इससे पहले आप अगर देखो 2014 से लेकर 2019 तक हम ऑलरेडी ऑलमोस्ट 17 बिलियन खर्च चुके हैं। एक्चुअली इस पीरियड में हमने ऑर्डर ज़रा प्लेस किए हैं, पेमेंट कम हुई है, अभी आने वाले समय में काफ़ी पेमेंट होगी टू इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो देखो इंडियन डिफेंस सेक्टर में खर्चा बहुत होगा और अब कोशिश हमारी ये है कि ये जो खर्चा हम करेंगे इसमें से एक सब्सटैंशियल अमाउंट हमारे देश में भी हो, हमारे देश में जो लोग हैं उनको भी रोज़गार मिले। क्योंकि देखो जब आप डिफेंस की ऑर्डर देते हो तो आप एक कंट्री को बहुत कुछ दे रहे हो, आप उस कंट्री को दे रहे हो पहली बात तो क्रेडिबिलिटी कि आपके जो हथियार हैं इतने अच्छे हैं कि दुनिया की एक बहुत ही मेजर कंट्री इंडिया उसको यूज़ करती है अपने डिफेंस के लिए। फिर आप उनको फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहे हो,
फिर साथ ही साथ जब आपके लिए वो उपकरण मैन्युफैक्चर करेंगे अपने देश में, तो वहाँ पे रोज़गार बनेगा, तो वहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो ये सब हम चाहते हैं कुछ हद तक हम इंडिया में भी रिटेन करें। इसके लिए भारत सरकार ने निर्णय ये लिया है कि 101 आइटम्स जो वैसे हम खरीदने वाले थे बाहर से आने वाले 5 साल में, इस पर लगेगा इम्पोर्ट बैन, और अब ये सब आइटम्स इंडिया में ही बनेंगी फॉर आर आर्मी, नेवी एंड आर एयरफोर्स। और हमारे रक्षा मंत्री ने ये कहा है कि ये बिग पुश है फॉर आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। और मैं आपको ये बता दूं कि ये 101 आइटम्स अंत नहीं है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ये भी बताया है कि आने वाले समय में और आइटम्स को भी हम नोट डाउन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जो ये 101 की लिस्ट है आने वाले समय में और भी ज़रा बढ़ सकती है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। अब यहाँ पे आप सुन रहे हैं 101 आइटम्स, मगर इससे हमारे देश की जो कंपनीज हैं, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी कंपनीज, उनको ओवरऑल कितने के ऑर्डर मिलेंगे, ये मेन क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर में 52,000 करोड़ रुपीज़ के ऑर्डर दिए जाएंगे, और लॉन्ग टर्म में बताया जा रहा है कि आने वाले 5 साल में हमारी सरकारी कंपनी और इंडिया की प्राइवेट कंपनीज़ को 4 लाख करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे होम मिनिस्टर की एक ट्वीट है, इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री एज कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ 4 लाख करोड़ वुड बी गिवन टू देम। और यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ठीक है, इंडिया में हम बनाएंगे तो हो सकता है कि एम्यूनेशन होगा, हेलमेट होंगे। नहीं, जो इन्होंने 101 आइटम्स की लिस्ट तैयार करी है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो बहुत ही रेयर कंट्रीज़ है, बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जो खुद मैन्युफैक्चर करती हैं। इसमें से एक तो है आर्टिलरी गन, फिर है मिसाइल डिस्ट्रॉयर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, मैं आपके लिए थोड़ा जूम इन कर दूँगा, ये सारी लिस्ट है। इसमें कुछ आइटम्स छोटी हैं, मगर जो यहाँ पर मेजर आइटम्स हैं उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रोक्योरमेंट होती है। यहाँ पर आप अगर देखोगे, एक यहाँ पर आइटम है टोड आर्टिलरी गन, इस पर जो एम्बार्गो लगेगा, इम्पोर्ट बैन लगेगा, ये दिसंबर 2020 से ही शुरू हो जाएगा। आर्टिलरी गन, मैं आपको ये बता दूं, ऐसे दिखती है। और आर्टिलरी गन आज के समय दो टाइप की होती है प्राइमरली, एक तो होती है सेल्फ प्रोपेल्ड और दूसरी होती है टोड आर्टिलरी गन। नाउ जो टोड आर्टिलरी होती है उसमें ज़रातार कुछ व्हीकल होता है नीचे, वो उसको मूव करने में हेल्प करता है। तो उसके लिए ऑलरेडी DRDO ने तैयार कर दिया है ATGS, मतलब कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। इसका मतलब ये है कि इस टाइप की जो आर्टिलरी गन है हम US से या फिर रशिया से परचेज नहीं करेंगे, ये सीधा इंडिया में ही बनाई जाएगी। फिर आप और यहाँ पे आइटम्स देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है, कन्वेंशनल सबमरीन पर हम इम्पोर्ट लगा देंगे दिसंबर 2021 से। कन्वेंशनल सबमरीन जब हम कहते हैं, मतलब के नॉन न्यूक्लियर सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स को बनाने में टाइम लगता है, काफ़ी एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है। कन्वेंशनल सबमरीन्स इंडिया में हम बनानी स्टार्ट कर चुके हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे देश में कंपनी है, प्राइवेट कंपनी L&T डिफेंस के नाम से, इनको सबमरीन्स बनाने में काफ़ी एक्सपर्टीज है। तो आने वाले समय में मोस्ट प्रॉब्ली इनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले हैं। फिर कुछ और आइटम्स हैं जहाँ पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा, एक तो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह पक्का हो चुका है कि भारत सरकार को तेजस पर भरोसा है, और इंडियन एयरफोर्स की बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट है वो आने वाले समय में तेजस ही पूरा करेगा। जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो हम स्वीडन या फिर USA से परचेज नहीं करने वाले, ये भी एक बड़ा निर्णय है। ये मैं आपको बता दूं, देखो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक अलग से श्रेणी होती है। कल को अगर हम मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग F-35 खरीदते हैं, तो सरप्राइज मत होना, F-35 एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं है, ठीक है? तो ये जो कैटेगरी है इसका ध्यान रखना। फिर एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करी गई है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ये भी इंडिया में ही बनेंगे, या तो सरकारी या फिर प्राइवेट कंपनी बनाएगी। उसके अलावा आप अगर देखें तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स सिर्फ इंडिया में ही बनेंगी, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी अब इंडिया में ही बनेंगे, हम कनाडा या US या रशिया से ये इम्पोर्ट नहीं करने वाले। तो वैसे आप अगर देखें तो जो 101 के आइटम्स हैं इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, ये एंटी टैंक माइन आती हैं, उसके अलावा रेडार आते हैं, एडवांस रेडार हैं। तो हर एक चीज़ पर यहाँ पे मैं कमेंट्री नहीं करूँगा, मैं आपको ये बताऊँगा कि हमारे देश में कौन कौन सी कंपनियाँ हैं जो मोस्ट प्रॉबली ये सारे जो उपकरण है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगी। यहाँ पे आप देखोगे ये सब सरकारी कंपनियाँ हैं इंडिया में जो डिफेंस रिलेटेड आइटम्स बनाती हैं। एक तो है यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, ये बनाती है एवियोनिक्स, रेडार वगैरह जो भी है, एडवांस रेडार ये BEL बनाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, ट्रक्स चाहिए आपको
वो बनाता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BEML, फिर DRDO तो है ही, उसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर है, ये नेवल शिप बनाते हैं, गोवा शिपयार्ड है, ये भी शिप बिल्डिंग करते हैं, हॉल तो आप सब जानते होंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो तेजस है वो यही बनाएगा, उसके अलावा ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ये वेरियस टाइप की गन्स वगैरह ये सब मैनुफैक्चर करते हैं, फिर कोचिन शिपयार्ड है, ये शिप बिल्डिंग करेंगे। तो ये सब तो हैं सरकारी कंपनियाँ, इस सब के अलावा जो मिलिट्री ट्रक्स होते हैं ये भी हम इंडिया से ही परचेज करेंगे, तो इंडियन कंपनीज इसमें एक आती है टाटा मोटर्स, वो बनाते हैं इस टाइप के ट्रक्स, फिर अशोक लेलैंड है, वो भी इस टाइप के जो ट्रक्स हैं बनाते हैं। तो देखिए कंपनीज हमारे पास अवेलेबल हैं, क्षमता हमारे पास है, भरोसा सरकार ने यहाँ पे जताया है, अब मेक इन इंडिया डिफेंस की प्रॉपर शुरुआत हो चुकी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है कि बिना किसी प्रॉपर कंपटीशन की, क्योंकि यहाँ पे आपने कंपटीशन एलिमिनेट कर दिया, आपने सीधा सीधा ये कह दिया है कि जो ये मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये इंडियन कंपनीज को ही मिलेंगे, सो इसमें प्रश्न आता है कि क्या इंडियन कंपनीज ऐसे माहौल में इनोवेशन करेंगी, क्योंकि कोई उन पर प्रेशर होगा नहीं, जो पुराना डिज़ाइन है जो ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में वही वो करेंगे। तो ये क्वेश्चन ये भी है, इस इम्पोर्ट एम्बार्गो से ठीक है हमारी जो डिफेंस कंपनीज हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मगर डिफेंस इंडस्ट्री हमारी इनोवेट कर पाएगी या नहीं, इट इज़ अ मेजर क्वेश्चन। इसके बारे में आप कमेंट करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। ये थी वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर किया इस टॉपिक को। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इंडियन कंपनीज़ को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उन पर विश्वास दिखा रही है कि भाई अपनी कंपनीज़ पे, और अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है तो सबसे पहले तो आपको यही करना चाहिए कि आपको अपने देश की कंपनीज़ पे विश्वास दिखाना चाहिए कि वो भी कर सकती हैं। अगर आप उन्हीं पर ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर इंडिपेंडेंट जो आपकी इंडिपेंडेंट है वो कैसे आएगी। तो ये था, और मतलब इंडिया में काफ़ी कुछ अब खुद से मैन्युफैक्चर होगा। एक्चुअली ये ना स्टार्टिंग है, अगर ये सब कुछ जो 101 प्रोडक्ट हैं ये इंडिया में एक्चुअली अच्छे से बनना शुरू हो गया तो आगे जाके इंडिया और भी बहुत कुछ जो है कर सकता है। फिर एक टाइम ऐसा होगा कि हम जो USA पे, फ्रांस पे या रशिया पे इतना डिपेंड रहते हैं अपने वेपन्स के लिए या फिर मिसाइल सिस्टम के लिए, वो क्या पता एक दिन जो है उल्टा हो जाए, वो हम पे डिपेंड होना शुरू हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो हमारी इकोनॉमी कहाँ पहुँच जाएगी इसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई देखो दुनिया में सबसे अच्छी कमाई जो होती है ना वो वेपन से होती है या नशे से होती है, ये दोनों ऐसी एक इंडस्ट्रीज हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है। और वेपन्स का तो कुछ ऐसा है ना कि सपोज करो आपने कुछ एक बेच दिया, एक ना एयरक्राफ्ट बेच दिया, तो डील वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती है, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी आपको जो है पैसे मिलते ही रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपने अगर एयरक्राफ्ट खरीद लिया और उसको बस ऐसे ही खड़ा कर दिया, उसको मेंटेन ही रखा, तो जरूरत के टाइम पे तो वो चलेगा ही नहीं। हाँ, पर जो आखिरी में जो क्वेश्चन है उन्होंने रेज किया है वो भी सोचने वाली बात है कि अगर कॉम्पिटिशन नहीं रहेगा तो कंपनीज कैसा परफॉर्म करेगी, ये थोड़ा डाउट वाला है, क्योंकि कंपटीशन होना ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन की वजह से ही लोग अपने आप को डेवलप करते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, सपोज़ करो कि अशोक लेलैंड ने कोई ट्रक बनाया तो वो उस ट्रक की जो भी क्वालिटी है ना, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, वो वर्ल्ड लेवल पर जो भी अच्छे ट्रक हैं उनसे कंपेयर करने के बाद ही उन्हें ऑर्डर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि कंपनीज पर थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कि उनको भी मालूम पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट से जब ऑर्डर मिलेगा तो वो फिर चेक करेंगे कि दूसरे देशों में कौन से ट्रक हैं और वो ट्रक जो है हमारे इंडियन ट्रक से कैसे बेहतर हैं। तो ऐसे करके ना इंडियन कंपनीज पर भी थोड़ा प्रेशर तो जो है बनना चाहिए। अब बिल्कुल ही प्रेशर हटा लोगे तो वो शायद उतना अच्छा नहीं करेंगे जितना अच्छा वो कर सकते हैं। तो बाकी आपकी और क्या राय है इस डिसीजन को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। बाकी ओवरऑल डिसीजन तो ये एक अच्छा डिसीजन है। चलिए वीडियो को इस नोट पे ख़त्म करते हैं, बाय बाय।